Have a nice day. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। आज मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूं, सह आचार्य असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू राजस्थान। आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा की मैं तीन बिंदुओं के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था, ओरिजिन फ्रॉम एनलिड्स, ओरिजिन फ्रॉम एरिकनिड्स, ओरिजिन फ्रॉम इकाइनोड्रम्स। दूसरा पार्ट इसका महत्वपूर्ण भाग है फाइलोजेनी। कॉर्डेट की फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी की परिभाषा मैंने कल भी बताई थी, यानी पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी। फाइलोजेनी इज द पार्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक्स, और फाइलोजेनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी पर्टेन्स टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहां ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कोर्डेटा आ रहा है, कोर्डेट्स आ रहे हैं। 1866 में हेकल ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, पुनरावर्तन का सिद्धांत, बायोजेनेटिक लॉ, जैविक सिद्धांत, या ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक जंतु का विकास। और फाइलोजेनी का मतलब है, या फिलोजेनी का मतलब है, कि कोई भी जंतुओं का जो समूह है उसका जातिवर्तीय इतिहास क्या है, उनके पूर्वज कैसे हैं, उनकी उनका उद्विकास इवोल्यूशन किस प्रकार के जंतुओं से हुआ है, दैट इज फाइलोजेनी। तो कॉर्डेट की फाइलोजेनी पढ़ने जा रहे हैं। टिपिकल जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनोगे और कर्सर के साथ में रहोगे तो बड़ा आसान बन जाएगा, समझने में कोई असुविधा नहीं होगी, और मेरे समझ में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉर्डेट, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट पार्ट सेकंड। नाउ स्टार्ट कॉर्डेट फाइलोजेनी, यानी कॉर्डेटा समुदाय में पाए जाने वाले जंतुओं का जाति वर्तीय इतिहास या इवोल्यूशन कैसे हुआ, किससे हुआ। यहां पहले मैं बता देना चाहता हूं, एक ऐसे लार्वा से हुआ है। कॉर्डेट के जितने भी ग्रुप्स हैं उनका एक ऐसे लार्वा से हुआ है जो कि स्थानबद्ध या सेसाइल था, बट बिकम एक्टिव, लेकिन सक्रिय हो गया। यहां मैं इकाइनोड्रम्स के बारे में भी बात करूंगा, इकाइनोड्रम्स से भी उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। टेरोब्रेंकस यानी हेमिकॉर्डेट के अंदर दो क्लासेज थी, टेरोब्रेंकिया एंड एंटेरोप्निस्टा। तो टेरोब्रेंकिया में टेरोब्रेंकस प्रकार के जंतुओं से भी जातिवर्ती इतिहास बताऊंगा। ब्रायोजोआ एंड ब्रेंकियोपोडा
ब्रायोजोन्स एंड ब्रेंकियोपोड्स के साथ में भी यहाँ अपने अपने जूलॉजिस्ट ने अपने अपने मत दिए हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। माइनर फाइला हैं वो, स्मॉल फाइला हैं दोनों, ब्रायोजोआ एंड ब्रेंकियोपोडा। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्डेट फाइलोजेनी। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, मोस्ट इकाइनोड्रम्स आर फ्री लिविंग, अधिकतर इकाइनोड्रम्स स्वतंत्र जीवी होते हैं, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन टू सम डिग्री, कुछ मात्रा में इनमें चलन की क्षमता पाई जाती है या कैपेबल होते हैं, बट द फॉसिल रिकॉर्ड क्लियरली प्रूव्स दैट द एंसेस्ट्रल इकाइनोड्रम्स वर सेसाइल फॉर्म्स। फॉसिल रिकॉर्ड ये कहते हैं, जीवाश्म अभिलेख क्या कहते हैं, स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं वो स्थानबद्ध रूप थे, वर सेसाइल फॉर्म्स। एंड वन ग्रुप ऑफ लिविंग इकाइनोड्रम्स द क्रिनोइड्स, क्रिनोइडिया क्लास के अंदर जिसमें फेदर स्टार एंड सी लिलीज आती हैं, और सी लिलीज, लिलीज का मतलब क्या है कि किसी न किसी स्ट्रोक या अब ऑरल सिराई के द्वारा ये किसी न किसी बॉटम या सरफेस के द्वारा चिपके हुए पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ द एनिमल्स या इकाइनोड्रम्स आर लिलीज एंड फाउंड इन सी वाटर। इकाइनोड्रम्स में आपको पता है एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरिन वाटर, नितांत रूप से इकाइनोड्रम्स इकाइनोड्रमेटा समुदाय में पाए जाने वाले जंतु समुद्रवासी होते। तो सी लिलीज, इसलिए इसका नाम पड़ा है सी यानी समुद्री लीलिया। कई बुझाएं पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था मैंने आपको तो बताया था कि एक ऐसा भी सी लिली है जिसमें बुझाओं की संख्या 200 तक है। बट द फॉसिल रिकॉर्ड क्लियरली प्रूव्स दैट द एंसेस्ट्रल इकाइनोड्रम्स वर सेसाइल फॉर्म्स, स्थानबद्ध रूप थे। वन ग्रुप ऑफ लिविंग इकाइनोड्रम्स, जो जीवित इकाइनोड्रम्स हैं, दैट इज क्रिनोइड्स या सी लिलीज, आर फिक्स्ड इन हैबिटस। यानी इकाइनोड्रमेटा के अंदर जीवित जंतुओं का समूह जो क्रिनोइडिया क्लास में सम्मिलित किया जाता है उनको सी लिलीज कहते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं इन हैबिटस, नया नाम आया है हैबिटस। हैबिटस का मतलब होता है सर्वाइव, हैबिटस का मतलब है सर्वाइव करना। और सर्वाइव कैसे, फिजिक रूप से, स्पेशली ये बॉडी बिल्ड के रूप में काम आता है, अपने शरीर से संबंधित रूप होता है और सर्वाइव करता है। हैबिटस का मतलब क्या बताया है, स्पेशली फिजिक बिल्ड, शारीरिक रूप से जो रूप होता है वो, और सर्वाइव कर रहा है। अटैच्ड बाई ए स्ट्रोक टू दी सी बॉटम, किसके द्वारा, सी बॉटम के साथ पैंदे पर ये एक व्रंत द्वारा चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इसलिए ये स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं, सेडेंटरी होते हैं। दे स्प्रेड आउट, दे स्प्रेड आउट यानी बाहर फैले, किसके द्वारा, अबव देयर कॉम्पैक्ट बॉडीज ए सीरीज ऑफ फेदरी आर्म्स।
यानी जो सघन शरीर होता है, कॉम्पैक्ट बॉडी जो होती है, उसके ऊपर कई ए सीरीज ऑफ हैदरी आर्म्स पाई जाती हैं, यानी परों के समान भुजाएं पाई जाती हैं, और भुजाओं के दोनों पार्श्वों में जैसे आपने किसी भी बर्ड का फेदर लिया है तो उसमें दोनों साइड के अंदर बार्ब्स निकली हुई होती हैं, वैसे इनमें भी पिन्यूल्स या पिच्छिकाएं निकली हुई होती हैं। रेंज द लेंथ ऑफ दीज आर्म्स आर बैंड्स ऑफ सीलिया विच फिल्टर आउट फ्रॉम द वाटर द फूड पार्टिकल्स अपॉन विच द सी लिली सबसिस्ट एंड कैरी देम डाउन टू द माउथ। इसका यहां पूरा का पूरा अर्थ समझिए, देखिए क्या है कि भुजाओं के पूरी लंबाई के अंदर सीलिएटेड बैंड्स पाए जाते हैं, सीलिया जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे पिन्यूल्स पाई जाती हैं सी लिलीज में, जो क्या करती हैं, छनन का कार्य करती हैं, फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं, किसको, वाटर को, जिसमें फूड पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है, फूड पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है विथ द सी लिली सबसिस्ट। सबसिस्ट का मतलब होता है जीवित रहना या सर्वाइव करना। एंड कैरी देम, और उस भोज्य पदार्थों को या छोटे छोटे भोजन के जो कण या भोज्य पदार्थ फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल्स जो आए हैं डाउन टू द माउथ, मुख की तरफ भेज दिए जाते हैं। दिस मोड ऑफ लाइफ रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द लिटिल टेरोब्रैंकस। इस प्रकार का जीवन जो होता है टेरोब्रैंक्स हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाला एक वर्ग है, क्लास है, उससे कुछ हद तक मिलता जुलता है। विच आर अनक्वेश्चनेबली, यानी निर्विवाद, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न न उठे, निर्विवाद या बिना विवाद के अनक्वेश्चनेबली रिलेटेड टू द वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री। वर्टिब्रेट की एंसेस्ट्री यानी पूर्वजों के इतिहास से जुड़ी हुई है, डिस्पाइट देयर सिंपल स्ट्रक्चर, यानी इनकी संरचना सिंपल यानी साधारण होने के बावजूद भी, एंड एब्सेंस इन देम ऑफ ऑलमोस्ट एवरी डायग्नोस्टिक करेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट या कॉर्डेट एंड इवन ऑफ कॉर्डेट इन जनरल। यहां कॉर्डेट के डायग्नोस्टिक फीचर्स तीन हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, या कई बार ये बोला जाता है डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड। ये तीन तो नैदानिक लक्षण हैं कॉर्डेट की, और वर्टिब्रेट आ गया साथ में तो इसका मतलब क्रेनियम जुड़ गया, और साथ में एक लक्षण और जुड़ गया, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री उपस्थित होते हैं। ये वर्टिब्रेट के पांच नैदानिक लक्षण होते हैं, जबकि कॉर्डेट के तो तीन ही डायग्नोस्टिक करेक्टर्स होते हैं। न तो इनके अंदर वर्टिब्रेट के लक्षण पाए जाते, नैदानिक लक्षण डायग्नोस्टिक करेक्टर जिससे डायग्नोज किया जा सके, ये कोई सेकेंडरी या सैटेलाइट करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, ये डायग्नोस्टिक करेक्टर इंपॉर्टेंट हैं,
कॉर्डेट के तीन होते हैं, वर्टिब्रेट्स के पांच होते हैं। इवन ऑफ कॉर्डेट इन जनरल, यानी कॉर्डेट के भी नहीं पाए जाते, वर्टिब्रेट तो रही बात दूर। नेक्स्ट, डिस्पाइट द कंट्रास्ट, यानी विरोधाभास होने के उपरांत भी बिटवीन प्रिमिटिव इकाइनोड्रम्स एंड टेरोब्रेंकस, दो के बीच में या तो प्रिमिटिव सिंपल या प्रिमिटिव आद्य इकाइनोड्रम्स और टेरोब्रेंक्स, द टू कैन बी डेराइव्ड रेडिली फ्रॉम एन एंशिएंट कॉमन एंसेस्टर। इनमें विरोधाभास होने के बावजूद भी ये बताया गया है कि दोनों प्रिमेटिव इकाइनोड्रम्स और टेरोब्रेंक्स ये कोई न कोई एक प्राचीन एंशियंट कॉमन सामान्य एक एंसेस्टर से इनकी उत्पत्ति हुई है। दिस एंसेस्टर वाज ए सेसाइल, वो ये एंसेस्टर कैसा था, स्थानबद्ध या सेसाइल, बॉटम ड्वेलर, सी वाटर के एकदम पैंदे पर निवास करने वाले पूर्वज, सबसिस्टिंग ऑन फूड पार्टिकल्स, जीवन यापन किसके ऊपर करते थे, ये फूड पार्टिकल्स जो गैदर्ड करते थे उससे, एंड ब्रॉट टू द माउथ बाई किन की तरफ भेज दिया जाता, किन की तरफ भेज दिया जाता है, मुख की तरफ भेज दिया जाता है। क्या बताया है, ध्यान से सुनो, द एंसेस्टर वाज ए सेसाइल। नेक्स्ट, बॉटम ड्वेलर्स सबसिस्टिंग ऑन फूड पार्टिकल्स गैदर्ड, जो एकत्रित किए गए थे फूड पार्टिकल्स उनके ऊपर या उनके द्वारा ये जीवित रहते हैं या सर्वाइव करते हैं, एंड ब्रॉट टू दी माउथ बाई आउट स्ट्रेच लॉफ ऑफ हर आर्म्स, बार की तरफ फैले हुए लॉफ ऑफ हर आर्म्स। लॉफ ऑफ हर आर्म्स क्या होता है, एक हॉर्स सू शेप्ड या घोड़े की नाल की आकृति की शेप होती है, जिसके ऊपर सीलिएटेड टेंटेकल्स होते हैं और वो सीलिएटेड टेंटेकल्स मुख को चारों ओर से घेरने का कार्य करते हैं। सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉन एज लॉफ ऑफ हॉर। लॉफ ऑफ हॉरेट सिलोमेट फाइला भी आए थे तीन क्लासिफिकेशन में, अगर आपने मेरा वीडियो सुना है तो। Little animals of this character collecting food by loop of her arms। कुछ जंतु जो थे उनमें ये लक्षण पाया जाता था, वो भोजन को किसके द्वारा एकत्रित करते थे, loop of her पर पाए जाने वाली भुजाएं या टेंटेकल जो सीलिएटेड थी उनसे। आर नॉट अनकॉमन टूडे का मतलब ये कोई सामान्य या कोई असाधारण, कोई अजीब आज के दिन रूप नहीं है। नॉट अनकॉमन टूडे। नेक्स्ट कॉमा, नोटेबल बींग, ये नोट किया गया है, पहचाना किस में भी किया गया है, ब्रेंकियोपॉड्स
उदाहरण दिया है लैम्प सेल्स, एंड द ब्रायोजोन्स उदाहरण है मॉस एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल का तो नाम प्रोटोजोआ समुदाय में पाए जाने वाले जंतुओं को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने दिया था, और हिंदी में जंतु कहते हैं ये। इनके साथ में भी सिमिलरिटी प्रकट कर रहे हैं कौन? लोफोफोर्स, लोफोफोरेट सिलोमेट फाइला। दीज फॉर्म्स आर सस्पेक्टेड, संदेह के गहरे में हैं, ऑफ एटलीस्ट डिस्टेंट रिलेशनशिप टू इकाइनोड्रम्स एंड कॉर्डेट्स। बहुत बड़ा विशाल अंतर आ गया है इकाइनोड्रम्स और कॉर्डेट्स के बीच में, डिस्टेंट रिलेशनशिप। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम डिस्टेंट रिलेशनशिप टू इकाइनोड्रम्स एंड कॉर्डेट्स, यानी इकाइनोड्रम्स और कॉर्डेट के साथ में ये घनिष्ठता का संबंध, क्लोज रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। एंड द कॉर्डेट एंसेस्टर वाज क्या कह रहा है? रेदर श्योरली वन ऑफ ए सीरीज ऑफ सच लोफोफोर बियरर्स। अब यहां क्या माना जाता है कि कॉर्डेट का पूर्वज निश्चित रूप से लोफोफोर बियरर एनिमल्स रहे हुए होंगे। फ्रॉम इट, इसमें से, विद इलाबोरेशन ऑफ वेरिड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, यानी विस्तृत रूप से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बने, मे हैव अराइजन द इकाइनोड्रम्स, जिससे मे हैव शायद अराइज हुए हैं या अरोज हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं इकाइनोड्रम्स, एंड फ्रॉम इट, और इसमें से, विद लिटिल चेंज मे हैव कम द टेरोब्रेंकस, इसी में से एक ऑफशूट निकली होगी, शाखा निकली होगी, जिससे ये टेरोब्रेंक्स बने हैं। नेक्स्ट आ रहा है ए फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ए फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट ऑफ ट्रू कॉर्डेट कैरेक्टर्स वाज ए शिफ्ट इन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड पार्टिकल्स। फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट ट्रू कॉर्डेट के अंदर लक्षणों में क्या हुआ? शिफ्टिंग भी एक मेथड की, भोजन के कणों को प्राप्त करने के लिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिल फिल्टरिंग फॉर लॉफ ऑफ हॉर्स, यानी ये सब्स्टिट्यूट हैं जो लॉफ ऑफ हॉर्स के अंदर गिल, ये टेंटेकल्स जो थे वो वाटर को फिल्टर कर रहे थे, वाटर करंट को फिल्टर करके भोजन कणों को अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लेते थे। इवन इन वन ऑफ द टेरोब्रेंक्स ए सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैज डेवलप्ड। एक टेरोब्रेंक्स बताया है, वन ऑफ द टेरोब्रेंक्स ए सिंगल पेयर ऑफ, एक जोड़ी गिल छिद्र भी विकसित हुए। अपरेटली यानी स्पष्ट रूप से, एडिंग यानी सहायता करते हैं, इन द फ्लो ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो आहार नाल में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फ्लो ले जाने का कार्य कर रहे थे, करते हैं। विद द इंक्रीज एंड इलाबोरेशन ऑफ गिल फिल्टरिंग सिस्टम, इंक्रीज एंड इलाबोरेशन, इंक्रीज और विस्तृत विस्तार से गिल फिल्टरिंग सिस्टम, लॉफ ऑफ हॉर्स वर
अबंडेंट या रिड्यूस्ड। अब गिल फिल्टरिंग सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो विस्तार से जब अध्ययन किया गया तो अब ये लॉफ ऑफ फोर्स जो होते हैं वो ह्रासित हो गए, रिड्यूस हो गए, अबंडेड हो गए, हट गए। द अकॉर्ड वर्स, यहां आ रहा है हेमिकॉर्डेट्स, ताज कर्मी, अकॉर्ड अकॉर्न वर्म्स स्टिल एसेंशियली सेसाइल, निश्चित रूप से सेसाइल। अल्दो यद्यपि नॉट स्टार्क, लेकिन व्रंत नहीं पाया जाता, व्रंतहीन होते हैं। अपियर टू रिप्रेजेंट ए साइड ब्रांच एट दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, यहां ये कह रहा है कि लोफ ऑफ हॉर्स और टेरोब्रेक्स, ये इनका जब इवोल्यूशन हुआ तो एक साइड के अंदर एक शाखा निकली, उस शाखा से ये अकॉर्न वर्म्स या हेमिकॉर्डेट्स का इवोल्यूशन हुआ उस ब्रांच से। फर्दर आगे इलाबोरेशन ऑफ द गिल स्ट्रेनिंग, फर्दर इलाबोरेशन ऑफ गिल स्ट्रेनिंग डिवाइस लेड, क्या कह रहा है, फर्दर इलाबोरेशन ऑफ गिल स्ट्रेनिंग डिवाइस लेड इवेंचुअली इन वन हायर। इलाबोरेशन का मतलब विस्तार से, ऑफ गिल स्ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि गिल के ऊपर जो यंत्र है क्या पाए जाते थे, किस पे किस में पाए जाते थे, अन्य जंतुओं के अंदर, ये कठिनाई के कगार पर आए, विलुप्त होने के कगार पर आए। डिवाइस यानी यंत्र नुमा रचना, जैसे जैसे अपन हायर कॉर्डेट की तरफ चलते हैं तब टू दी टिपिकल टूनिकेट्स, जैसे टिपिकल टूनिकेट्स, देन एन इलाबोरेट फूड फिल्टर। टूनिकेट्स आपको पता है यूरोकॉर्डेटा के अंदर आते हैं, जब हायर कॉर्डेट बने तब धीरे धीरे ये गिल जो थे वो स्ट्रेनिंग यानी डिफिकल्टी के कगार पर आए और हायर कॉर्डेट बने, और हायर कॉर्डेट के अंदर पहले क्या बनते हैं, टिपिकल ट्यूनिकेट्स इन विच द होल एनिमल सीम्स टू बी लिटिल मोर देन एन इलाबोरेट फुल चैम्बर, इसके अंदर पूरा का पूरा जंतु या पूरे के पूरे जंतु के अंदर क्या प्रतीत हो रहा है, बहुत विस्तारित रूप से फूड फिल्टर करने की कैपेसिटी पाई जाती है क्योंकि इनमें ब्रिंकियल सैक पाया जाता है। बट एज दिस स्टेज वॉज अप्रोच्ड देयर एंटर्ड ए न्यू अडेप्टेशन, अब आगे अनुकूलन हुआ, ये आगे एडवांस करेक्टर के लिए इनमें अनुकूलन हुआ था, एंटर्ड इन ए न्यू अडेप्टेशन विच वॉज टू रेडिकली, यानी रेडिकली का मतलब मौलिक या आवश्यक रूप से यानी फंडामेंटली चेंजेज हुए, अल्टरनेशन हुआ, अल्टर यानी परिवर्तन हुए। द होल पिक्चर ऑफ हायर कॉर्डेट इवोल्यूशन, ये क्या बताती है कि कोई कोई इनसे उच्च कोटि का हायर कॉर्डेट इवोल्यूशन का जंतु या तस्वीर बनी है। तस्वीर तो उसी की होगी
जो कोई ना कोई सामने कोई इमेज होगी वो इमेज यहां कॉर्डेट है। नेक्स्ट ये आ रहा है द एम्ब्रियो और लार्वा ऑफ ए सेसाइल ऑर्गेनिज्म। भ्रूण या लार्वा जो स्थानबद्ध जंतु होते हैं उनके लिए मस्ट फाइंड ए प्रॉपर प्लेस ऑन द सी बॉटम ऑन विच टू सेटल डाउन फॉर एडल्ट लाइफ। एम्ब्रियो या लार्वा जो होते हैं इनमें पाए जाने वाले इकाइनोड्रम्स के जो लार्वल स्टेजेज होते हैं या जो भ्रूण होते हैं वो बॉटम पे सी बॉटम पे जाकर के सेसाइल रूप में यानी स्थानबद्ध रूप में परिवर्तित हो जाते हैं सी बॉटम पे और वहां जाकर के सेटल डाउन फॉर एडल्ट लाइफ। किस में ये बदल रहे हैं? वयस्क जीवन में। हाउ टू रीच एंड सेलेक्ट इट इंटरोगेटिव मार्क। ये कैसे वयस्क तक पहुंचते हैं एंड कैसे इनको सेलेक्ट किया गया ये एक अभी भी प्राणी वैज्ञानिकों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क है। सम अकॉन वार्म्स हेमिकॉर्डेट आ रहे हैं वापिस हैव ए सिलेटेड लार्वा। टर्नेरिया लार्वा सिलेटेड लार्वा है बट सच ए लार्वा पावर ऑफ लोकोमोशन आर लिमिटेड। इस प्रकार के लार्वा के अंदर लोकोमोशन की क्षमता बहुत कम होती थी। मच बेटर इज द टेडपोल लाइक लार्वा, टेडपोल लाइक लार्वा की तुलना में विच मे हैव डेवलप्ड बिफोर द ट्यूनिकेट लेवल वॉज रीच्ड। जो ट्यूनिकेट जो थे उनके वयस्क बनने से पहले आपको पता है टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर एसिडेंट टेडपोल लार्वा पहले बन गया था और एसिडेंट टेडपोल लार्वा के अंदर तो कॉर्डेट के करेक्टर्स होते हैं जबकि वयस्क जंतु के अंदर कॉर्डेट के करेक्टर फेरिंग्स या गिल स्लिट्स को छोड़ करके लगभग लुप्त प्राय हो जाते। हियर ए मस्कुलर टेल इज प्रेजेंट। अब जो एम्ब्रियोज जो बता रहे हैं या लार्वा बता रहे हैं उसके अंदर एक मस्कुलर टेल उपस्थित। नोटोकॉर्ड स्टीफन्स द स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड अपनी संरचना को मजबूत कर लेती है। ए नर्वा कॉर्ड एंड नर्वस या नर्वज आर इवॉल्व्ड टू सुपरवाइज लोकोमोशन। यानी नर्व कॉर्ड और तंत्रिकाएं विकसित हो जाती हैं। सेंस ऑर्गन आर डेवलपिंग। सेंस ऑर्गन्स भी संवेदी अंग भी डेवलप्ड हो जाते हैं विच गाइड द मूवमेंट ऑफ दिस न्यू स्विमिंग स्ट्रक्चर। ये क्या गाइड करते हैं नए रूप में तैरने जैसी संरचना टुवार्ड ए प्रॉपर प्लेस फॉर फिक्सेशन। ऐसे स्थान पे उचित स्थान पे जाने के लिए इनमें स्विमिंग या तैरने की क्षमता डेवलप हो जाती है और जाकर के ये फिक्सेशन इनका फिक्सेशन या सेडेंट्री रूप धारण कर लेते हैं एंड एडल्ट एग्जिस्टेंस। अब ये वयस्क या एडल्ट रूप में इनका एग्जिस्टेंस हुआ है, अस्तित्व में आया एडल्ट। यानी लार्वा या एम्ब्रियो टेल्ड था, नोटोकॉर्ड विकसित हुई, नर्व कॉर्ड विकसित हुई, सेंसरी ऑर्गन विकसित हुए, फ्री स्विमर था और अंत में जाकर के सेसाइल रूप में बना, सेसाइल रूप में जाकर के सी बॉटम के ऊपर जाकर या किसी भी अन्य कोणे के ऊपर जाकर के ये जाकर के वयस्क में कायंत्रण हुआ, वह वयस्क में कायंत्रित हुआ। वंस दिस न्यू लार्वल स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व्ड। एक बार जब इस प्रकार की लार्वल स्ट्रक्चर
उद्विकासित हो गई, इवॉल्व हो गई, ए रेडिकल चेंज ऑफ डायरेक्शन इन कॉर्डेट इवोल्यूशन ओपनड आउट। रोचक रेडिकल चेंजेज लक्षण, एक बार जब ये लार्वल स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गई तो इसमें रेडिकल चेंजेज हुए ऑफ डायरेक्शन इन कॉर्डेट इवोल्यूशन ओपनड आउट। अब कॉर्डेट की इवोल्यूशन के लिए रास्ता ओपन हो चुका है, ए न्यू एक्टिव टाइप ऑफ लाइफ बिकेम पॉसिबल। एक नए प्रकार की एक्टिव टाइप, सक्रिय रूप ऑफ लाइफ, जीवन की बिकेम पॉसिबल, जो विकसित संभव हुई। बिकेम पॉसिबल, बिकम की सेकंड फॉर्म है, यानी नया जीवन विकसित हुआ था या उद्विकासित हुआ था। ए न्यू एक्टिव टाइप ऑफ लाइफ बिकेम पॉसिबल। कंजर्वेटिव फॉर्म्स का मतलब है अपरिवर्तनशील या अपरिवर्तनवादी या रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल। कंजर्वेटिव फॉर्म्स जो रूप थे रिमेन एज ट्यूनिकेट्स, वो किसके रूप में अस्तित्व में रह गए? ट्यूनिकेट्स के रूप में, यानी यूरोकॉर्डेट्स के रूप में। बट फॉर अदर्स पिडोजेनेसिस अपीयर टू हैव एंटर्ड द पिक्चर। अब पिडोजेनेसिस इनके अंदर विकसित हुई। पिडोजेनेसिस का मतलब है लार्वल स्टेज के अंदर ही गोनड का मैच्योरेशन हो जाता है और वहीं गोनड जो है वो स्पर्म्स और ओवा यानी गैमेट्स, मैच्योर गैमेट्स का उत्पादन करके अगली पीढ़ियों को जन्म देने लग जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन प्रारंभ, पीडोजेनेसिस। द एनिमल सीज्ड, आगे क्या लिखा है, द एनिमल सीज्ड टू सेटल, एनिमल सीज्ड टू सेटल डाउन। एनिमल सीज्ड हो गया, सेटल डाउन हो गया, यानी शांत हो गया। यानी ये जितने के जितने जंतु पहले थे वो अब शांत हो गए थे। द लार्वल लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स, लार्वा में पाए जाने वाले चलनकारी संरचनाएं, वर रिटेंड, धारित, ये लार्वा उनको धारण किए हुए था थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन के अंदर ये करैक्टर्स धारित किए हुए था। इवन थौ, थौ नॉट था, थौ यद्यपि, फिल्टर फीडिंग लॉन्ग कंटिन्यूड टू बी द मीन्स ऑफ सस्टिनेंस का मतलब है सहारा या जीविका, लिवलीहुड। अब इनके लिए सहारा क्या हो गया, रह गया ओनली फिल्टर फीडिंग, लंबे समय तक चला। द फेरिंजियल फिल्टरिंग एपरेटस कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब फेरिंजियल फिल्टरिंग एपरेटस जो था वो ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान तक एज ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड देम सेल्वेज, जहां जहां उनको अनुकूल परिस्थितियां मिली उनके अनुसार ये बदलते गए। बात आ रही है लार्वी की। एम्फियोक्सस अल्दो ए बिट ऑफ एम्फियोक्सस सेफेलोकॉर्डेट में पाए जाने वाला एनिमल है, ये ब्रेंकियोस्टोमा। अब यहां क्या नाम आ रहा है,
आगे सस्टिनेंस, सस्टिनेंस का मतलब भी क्या है, जीविका। अल्तो ए बिट ऑफ, बिट ऑफ का मतलब थोड़ी दूर, यानी कुछ समय पश्चात। बिट ऑफ का मतलब थोड़ी, स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी दूर। एम्फियोक्सस अल्तो बिट ऑफ द डायरेक्ट असेंडिंग लाइन, आरोही रेखा के अंदर एडवांस होता गया, यानी एडवांस करेक्टर इसमें डेवलप हुए। फिल्टर फीडिंग परसिस्ट्स बट द एंसेस्ट्रल फिक्स्ड। फिल्टरिंग फीडिंग या छनन की क्रिया या छानने की क्रिया, फिल्टरिंग फीडिंग मैकेनिज्म सुविकसित हुई, लेकिन इनका पूर्वज तो फिक्स्ड था। एडल्ट कंडीशन हैव बीन अबंडेड, वयस्क अवस्था इनमें अबंडेड यानी हट गई। बट अब चालू होता है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। बट फॉर द मोस्ट पार्ट कोडेट डिड नॉट स्टॉप एट दिस लेवल। बट लेकिन अधिक से अधिक समय तक कोडेट यहां ही नहीं, इसी स्तर पे नहीं रुके। कोडेट का इवोल्यूशन, उद्भव, उद्विकास जारी रहा। ए मेजर ब्रस्ट यानी विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ए मेजर ब्रस्ट ऑफ इवोल्यूशनरी एक्टिविटी रिजल्टेड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यू लोकोमोटर पोटेंशियलिटीज एंड लेड ऑन दी एंड ऑन टू दी आगे की ओर मेजर स्टोरी ऑफ कॉर्डेट इवोल्यूशन या वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। अब आगे इनमें चलन की पोटेंसी, धारिता या पोटेंशियलिटीज ज्यादा विकसित हुई और आगे की तरफ प्रोग्रेसिव इनमें डेवलपमेंट या इवोल्यूशन, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, इवोल्यूशन हुआ और कॉर्डेट की व्युत्पत्ति या उद्विकास हुआ। यहां निष्कर्ष क्या निकाला आपने कि कॉर्डेट का एंसेस्टर एक लार्वा था जो सेसाइल रूप में था, स्थानबद्ध था, समुद्र के पैदे पर पाया जाने वाला था, और वो लार्वा किसके साथ रिजेम्बलेंसेस दिखा रहा था, इकाइनोड्रम्स के। तो ये लार्वा और इकाइनोड्रम्स निश्चित रूप से कॉर्डेट के पूर्वज रहे होंगे। ये हुआ कॉर्डेट का दूसरा पार्ट, फाइलोजेनी ऑफ कॉर्डेट। आपके समझ में आ जाएगा मैटर को, ध्यान से पढ़ना। टोटल डिस्क्रिप्शन वर्णन करने वाला है, कोई फोटोग्राफ नहीं आएगा, कोई लेबल डायग्राम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बिना मतलब के किधर इधर उधर से कोई डायग्राम ला करके चिपका दिया। कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा इस कोरोना क्राइसिस में। सावधानी रखिए और अपने कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा आयुक्त महोदय जी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई समय समय पर एडवाइजरीज का निश्चित रूप से पालन करें, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही ही है। दूरी ही दवा है, ऑलवेज कीप डिस्टेंस एटलीस्ट
2 yards या 2 meters इतनी दूरी बनाए रखें, और साबुन से हाथ धोना, वो मास्क लगाना, ये सब जो हैं ये सब एडवाइजरीज के अंदर आपको बताए हुए हैं। जो परम मित्र और विद्यार्थी नियमित रूप से वीडियो को या वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से आभार, और इस वीडियो को जो जिन्होंने जो वॉच करेंगे उनको लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।